शिक्षा में अभी रिजल्ट आने दीजिए, कितने घपले घोटाले होंगे, कितने जगह देखिएगा कॉपी बदल गया, कितने जगह ये हो गया वो हो गया। जो परीक्षार्थी आए थे उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं थी, पानी का व्यवस्था नहीं था, शौचालय का व्यवस्था नहीं था, महिलाएं रोड पर और स्कूल में और पार्टियों के दफ्तरों में आश्रय ली थी, उस बिहार के बारे में क्या बात करते हैं जी। अरे मैं वो कलम तेजस्वी यादव का देखना चाहता हूँ जिस कलम से एक पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने वाले थे, वो कलम का नींव टूट गया क्या? झूठों फरौडों और जनता को सपनों के सौदागर ये लोग हैं, सपना दिखा करके जनता को ठगने का काम करते हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर लगातार 3 दिन तक परीक्षा चल रही थी, ऐसे में कल परीक्षा का समापन हुआ। लगातार सरकार यह कहते हुए नजर आ रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 1,70,000 से ऊपर हम नौकरियां देंगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह जुड़ेंगे, बात करेंगे। अरविंद जी, पारदर्शिता की बात हो रही थी, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है बीपीएससी के द्वारा, 1,70,000 नियुक्ति किया जा रहा है शिक्षकों। जब जिस व्यक्ति को जेल भेजवाए जदयू के लोगों ने, शिवानंद तिवारी जी केस करने वाले और जदयू क्षेत्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी केस करने वाले थे, नीतीश जी के इशारा पर फाइल पहुंचाने वाले थे, उसमें तो पारदर्शिता ये लोग बरतिए नहीं रहा है, उसमें तो ये लोग झूठ बोल रहा है। और कहाँ ये लोग पारदर्शिता, पारदर्शिता आप राजद और जदयू से उम्मीद करते हैं? पूरे बिहार में अपराधी माफिया और सिंडिकेट चला रहा है बिहार को। और शिक्षा में अभी रिजल्ट आने दीजिए, कितने घपले घोटाले होंगे, कितने जगह देखिएगा कॉपी बदल गया, कितने जगह ये हो गया वो हो गया। जो परीक्षार्थी आए थे उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं थी, ट्रैफिक की व्यवस्था नहीं थी, पानी का व्यवस्था नहीं था, शौचालय का व्यवस्था नहीं था, महिलाएं रोड पर और स्कूल में और पार्टियों के दफ्तरों में आश्रय ली थी, उस बिहार के बारे में क्या बात करते हैं जी। कहा यह जा रहा है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं 1,70,000। अरे मैं वो कलम तेजस्वी यादव का देखना चाहता हूं जिस कलम से एक पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार देने वाले थे, वो कलम का नींव टूट गया क्या? ये सब झूठों फरौडों और जनता को सपनों के सौदागर ये लोग हैं, सपना दिखा करके जनता को ठगने का काम करते हैं, सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। लेकिन आरोप तो आप लोगों पे लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एनडीए में 100 लोग तो कुछ किए नहीं, हम कह रहे हैं तो भाई जो झूठ बोलेगा, जो आरोपे लगाना है, काम तो कुछ करना नहीं है। काम हो रहा है कि पूरे बिहार में 50,000 करोड़ का 2 नंबर का दारू का उद्योग चल रहा है, जिससे बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हो गई, चूंकि और कोई तो उद्योग दर नज़र नहीं आ रहा है। ईश्वर जैसा दिखती कहीं नहीं है, बिकती हर जगह है। तो 2 नंबर का दारू का उद्योग, 2 नंबर का बालू का उद्योग, 2 नंबर का अपराध का उद्योग, हत्या की उद्योग जो बिहार में नीतीश जी के कैबिनेट से पास होकर चल रही है, वो पूरे बिहार में आज नज़र आ रहा है, जिससे बिहार का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, तेजस्वी जी के घर का अर्थव्यवस्था बढ़ रहा है, जिससे आज पूरे उनको लग रहा है कि पूरे बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। अभ्यर्थियों को भी इस परीक्षा में शामिल करवाया गया था अरविंद सिंह जी, देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक। अरे भाई जो शिक्षक बन गए हो, सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो मिल नहीं रहा है, वो सब क्या हैं हमको अभी तक समझ में नहीं आया है, आपको समझ में आया क्या? वो सरकारी कर्मचारी हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या है आपको पता है? 4 महीना से जो बहाल शिक्षक हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा है, आपको पता है? ये सारे लोग गलबजवा राजनीति करने के हेडमास्टर हैं, अपनी कुर्सी बचे रहे, परिवार बची रहे और सत्ता पकड़े रहे। ये सब I.N.I. वाले लोग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसी को नेपाल समझ में आता है, किसी को बांग्लादेश समझ में आता है, कोई चाइना के गोद में बैठ जाता है, ये सारे लोग जो है देश को तोड़ने वाले लोग हैं। ये सारे लोग जो हैं वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। तो वहीं जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम अगर सरकार में आएंगे तो पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, उनका कलम का नींव टूट गया क्या? अरविंद सिंह सवाल खड़ा करते हुए तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो वहीं जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति को लेकर कल परीक्षा खत्म हुई, उसको लेकर क्या कुछ करते हैं? आपने अरविंद सिंह की तमाम बातें सुनी, भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह क्या कुछ करते हैं और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।